वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रैंड फैंटासी। तो आप लोगों को पता है शायद हमारा जो एप्लीकेशन है ग्रैंड लीग टिप्स, तो हमने सोचा कि आज हमारा एप्लीकेशन के नाम पे ही आज एक यूट्यूब का चैनल यूट्यूब का वीडियो बना लेते हैं कि ग्रैंड लीग का टिप्स। हम तो अपना चैनल पे हमारा जो ग्रैंड लीग टिप्स का जो ऐप है उसमें तो हम टीम देते हैं डेली, तो होता है कभी कभी ठीक रहता है कभी कभी ठीक नहीं रहता, लेकिन ये तो ग्रैंड फैंटासी है तो हारा मतलब डेली तो ठीक नहीं रहेगा। तो सोचा कि आज थोड़ा सा हमारा जो 3 साल का जो एक्सपीरियंस रहा ड्रीम इलेवन का, तो हम सोचा कि आज थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारा शेयर करें हमारा यूट्यूब चैनल मतलब वीडियो बना के आप लोगों के साथ। तो कोई कोई सोचता है कि ड्रीम इलेवन पे जो ग्रैंड लीग होता है मेगा कंटेस्ट होता है जो भी होता है वो फ्रॉड होता है, उसमें ड्रीम इलेवन खुद का टीम डालता है, ऐसा कुछ सब सोचते हैं, लेकिन मेरा मानना है ऐसा कुछ नहीं होता है। ड्रीम इलेवन में जो भी होता है सब लीगल होता है, कोई इलीगल काम नहीं होता है, सब 100% लीगल काम होता है। और जो ऐसा बोलता है हो सकता है उसका खुद का टीम ऐसा नहीं हो कि वो फास्ट रैंक वाले से कंपेयर करे, तो फिर वो कैसे बोल सकते हैं कि हमारा टीम मतलब लास्ट में आया। तो भाई तुम्हारा अगर 11 प्लेयर जो चॉइस किया वो अगर आपका परफॉर्म करेगा 11 के 11 स्टार रहेगा तो फिर आपको कौन पीछे छोड़ सकता है, ये बात भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। आपको ऑल टाइम आपका प्लेयर के बारे में मीन्स आपको तो हर आपको अगर आपको लग रहा है कि ड्रीम इलेवन फ्रॉड कर रहा है तो फिर आपका अगर 11 प्लेयर वो जो फास्ट हुआ और जिसका 11 प्लेयर उसको मैच करके देखो आपका मैच हो रहा है कि तभी तो फ्रॉड ऐसा जो भी बोलता है। मैंने बहुत यूट्यूब चैनल पर देखा यार बहुत आदमी बोलता है कि ड्रीम इलेवन फ्रॉड है, ग्रैंड लीग जितना नामुमकिन है, तो फिर मैं आज उनके लिए थोड़ा सा ये वीडियो बनाया है कि ड्रीम इलेवन फ्रॉड क्यों बोल रहे हैं और कैसे क्यों ऐसा मतलब ऐसा कर रहे हैं लोग। मतलब देखो एक बात सही है कि इस पर लाख चाहिए, लाख के बिना कुछ नहीं है। मैं पर्सनल में अपना ये बोल रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से ड्रीम इलेवन खेल रहा हूँ तो इसका जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो फिर मैं वो आज यही शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो हम बोल रहे हैं कि ड्रीम इलेवन में ग्रैंड लीग जीतता कौन है, ड्रीम इलेवन में ग्रैंड लीग जीतता ही है जो बहुत तो अच्छा मतलब 20 लाख 25 ऑन करो जीत रहा, कौन जीत रहा है, वो जीत रहा है एक ही मतलब एक ही आदमी जीत रहा है और उसका टीम भी अलग होता है इसीलिए वो जीतता है और उसका रैंक आता है। लेकिन क्या है ना वो लोग कंपनी बना के खेलते हैं, सोचो कि तुम 6 टीम बना रहे हो और वो लोग 18 20 30 या 100 टीम बना रहे हैं कोई कंपनी बनाकर, मीन्स 10 फ्रेंड मिलकर टीम बना रहा है, तो फिर 10 फ्रेंड मिलकर 100 का आइडिया मतलब अगर आपका 10 फ्रेंड मिलकर 10 का दिमाग यूज़ करके आप टीम बना रहे हैं तो उनमें से आपका तो 100% एक ना एक आएगा ना रैंक पे। तो उसी के चक्कर में जो लोग सोच रहे हैं कि इसका तो ये तो बहुत कम लीग खेला है तब भी फास्ट हो गया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं भाई, और उसका बहुत सारा अकाउंट है, वो लोग अलग अलग अकाउंट से खेलते हैं, वो लोग मेहनत करते हैं तभी फास्ट होते हैं, तुम साला फास्ट मेहनत नहीं करोगे तुम फास्ट कैसे आओगे। अरे हम 3 साल से खेल रहे हैं भाई तब भी हम मेहनत करते हैं, डेली डायरी पर लिखते हैं, डेली सब कुछ करते हैं, हम पुराना खिलाड़ी है लेकिन फिर भी काम करते हैं, तो फिर हम अगर पुराना खिलाड़ी अगर एक्सपीरियंस से काम करें तब भी नहीं चलता है, हमारा जो सब कुछ लिखना पड़ता है, रिकॉर्ड लिखना पड़ता है, कौन कब उतरेगा क्या करेगा क्या नहीं करेगा क्या हो सकता है, भाई हम तो दिन में कितना सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बट हम लोग थोड़ा ये बात रियल है कि हम लोग ग्रैंड लीग उतना ज़्यादा नहीं खेलते हैं जितना मतलब खेलते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग ज्वाइन करते हैं लेकिन उतना भरोसा नहीं रहता, कि हम थोड़ा स्मॉल लीग और मिनी जो जीएल है उनमें ज्वाइन करते हैं ज़्यादातर, तो मिनी जीएल में जीतने का चांस ज़्यादा रहता है क्योंकि मिनी जीएल जो होता है उन पे क्या है ना आपका अगर टीम 80% भी रहा है ना तब भी आप फास्ट आने का चांस रहता है मिनी जीएल में। अगर आपका वो जो 20 लाख मेंबर और जो भी जो बहुत बड़ा मेगा कॉन्टेस्ट होता है उनमें अगर आपका 100% मतलब 99% भी अगर टीम हुआ ना तब भी आप फास्ट नहीं आ सकते हैं या टॉप 10 में भी नहीं रह सकते हैं या टॉप 100 में भी नहीं रह सकते, आपको 100 100 आन होना चाहिए तभी आप या फास्ट में आए या एक दो में आ जाए ऐसे ही हो सकते हैं। लेकिन आप मिनी जेल में आपका 70% टीम होने से भी 80% टीम होने से भी आपका मिनी जेल जीत सकते हैं, जैसे कि बहुत 2K में लिस्ट लेकिन 2000 मेंबर वाला जो भी लीग होता है उससे ज़्यादा काम लीग होता है, इनमें ज़्यादातर फ़ायदा होता है कि ज्वाइन करो देते सर। हमने हमारा एक प्राइम चैनल है जिसमें हम पैकेज मतलब हमारा एक प्राइम चैनल है जो एप्लीकेशन का मतलब अभी हमने एक प्राइम चैनल उसको ओपन किया आईपीएल के टाइम से, तो उसमें बहुत लोग ज्वाइन हुए लेकिन वो लोग ये जीतता है लेकिन ये फैंटेसी है हर दिन तो कोई नहीं जीतेगा, ये तो ऑनेस्टली बात है।
तो हमारा जो फाइन मतलब ये चैनल है, तो उसके लिए हमने बहुत सारा टिप्स बनाया था। तो फिर क्या है ना, जो हमारा जो एक्सपीरियंस है वहाँ पर वही शेयर करते थे और वो आप ही भी शेयर करते हैं वहाँ पर, तो ऐसा कोई बात नहीं। तो हमने सोच हमने डिवाइड कर दिया कि किस में कैसा खेलना है, किस में नहीं खेलना है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सब उसी चैनल पे हम बोल देते हैं कि भाई ऐसा करो वैसा करो ये करो वो करो, तभी आपका थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। ड्रीम इलेवन में अगर आप एक दिन में 1 लाख जीत गए तो सोचो कि आपका 2-3 दिन लक अच्छा चलेगा, लेकिन तीसरा दिन आपका लक बिगड़ जाएगा। फिर आपका जो 2 लाख 1 लाख आया ना, तो फिर वो तीसरा या चौथा दिन में आपका वो सारा के सारा चल जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, पहले जो टिप्स है तो आपको क्या करना है, अगर आपका विन हुआ, अगर आप जीते 2-3 लाख, या जो ये जो हम ये जो बोल रहे हैं सब मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने खुद इसको मतलब झेला है कि 1-2 लाख अगर विन कर गया तो फिर 3-4 दिन ठीक रहा, फिर 2-3 दिन के बाद फिर से साला फिर से मतलब हटने लगे, फिर रह गया उसी 50,000 या 1 लाख ही रह गया, तो 1 लाख में से 1 लाख चला गया, ऐसा हो जाता है। तो फिर इसमें क्या करना है कि आपको अगर आपका सही लग रहा है कि हाँ मैं इस मैच पर जीत सकता हूँ, और आपको जिस मैच में क्या मतलब नॉलेज हो उसी मैच में इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे ज़्यादा किसी भी मतलब दूसरे मैच में इन्वेस्ट करोगे तो फिर आपका हारने का ज़्यादा चांस होता है। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्मॉल लीग का टिप्स देता हूँ, स्मॉल लीग में कैसे खेलना है और स्मॉल लीग कैसे क्या है मतलब टीम बनाना है और टीम ज्वाइन भी करना है, मतलब कितना कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है। तो स्मॉल लीग आपको खेलने के लिए स्मॉल लीग खेलने के लिए आपको तो सेफ से प्लेयर चुनना है, ये तो बात सब जानते हैं, और जो लोग ड्रीम इलेवन खेलते हैं वो तो, और जो लोग ऐसे टाइम पास के लिए खेलते हैं उसको तो कुछ भी मालूम नहीं होता है, वो जस्ट टाइम पास करते हैं और पैसा हारते हैं और रोता रहता है। तो जो लोग सीरियसली खेलते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा टिप बोल देता हूँ कि स्मॉल लीग टीम के लिए आपको क्या करना चाहिए और कितना लीग जब मतलब अगर आप एक स्मॉल लीग टीम बना रहे हो तो फिर आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो जो 299 होता है उसको ज्वाइन का जो कॉन्टेस्ट है आपको 4 से या मतलब आपका जितना ज़्यादा हो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसी लीग पर आपको ज्वाइन करना चाहिए, ताकि अगर ये जो ओपोनेंट होता है ना, एक एक लीग एक कॉन्टेस्ट में अगर आपका एक ओपोनेंट अच्छा रहेगा, अगर उसको कोई आप बीट ही नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा कॉन्टेस्ट जो आएगा उसका ओपोनेंट आपका वीक हो सकता है, उसमें आप इजीली बीट कर सकते हो। लेकिन आपको ऐसे ही करना चाहिए, एक स्मॉल लीग टीम को आपको एक एक ही टीम बनाना है स्मॉल लीग के लिए, लेकिन कॉन्टेस्ट आपको बहुत सारा ज्वाइन करना है। तो फिर अगर आपका टीम उतना सही भी नहीं गया तो फिर आप किसी भी 2-3 में अगर सोच लो, अगर 299 में आपने 4 ज्वाइन किया, आपका अगर 2 हार गया फिर से आपको फिर भी आपका 2 रहेगा, तो 2 में आपने कितना जीता, अगर 4 आपने ज्वाइन किया तो फिर 4 में आपको मतलब सोच लो कि 3 आपने इन्वेस्ट किया, तो आपको 10 के आपने इन्वेस्ट किया, फिर 3 में से आप 2 हार गया, तब भी आपका 1 अगर जीत गया तो फिर आपका 1 फिर से 10 मतलब आपका लॉस कवर होगा, मतलब जो आपने लगाया था वो आपको वापस आया। अगर तीनों में तीनों जीत गया तो आपका कितना हुआ, 30 के आ गया, तो फिर आपका 30 मतलब 30 के प्रॉफिट मतलब आपका 20 के प्रॉफिट हो गया। ऐसे करके आपको खेलना चाहिए कि जो भी खेलो उसको पकड़ के रखो, और पकड़ के रखने का एकदम मतलब मीन्स, और एक और बात, ज़्यादा लालच करना नहीं चाहिए ड्रीम इलेवन में। अगर ज़्यादा लालच करोगे कि हाँ मैंने इतना पैसा है तो भी सब लगा दो एक ही मैच में, तो फिर आपको गलत कर रहे हैं, वो गलत है। एक ही मैच में अगर सब इन्वेस्ट करोगे एक ही मैच में, अगर आप 1,50,000 अगर आपके पास 10,000 है तो फिर 10,000 एक ही मैच में इन्वेस्ट करोगे तो फिर वो आपको लिए थोड़ा बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि उस दिन हो सकता है उस दिन आपका लक खराब गए और आप सारे के सारे पैसा हार जाए। लेकिन आपको ये करना चाहिए कि अगर आप इस मैच में 5,000 लगा रहे हो तो फिर नेक्स्ट मैच में फिर 5,000 ट्राई करो, लेकिन एक ही मैच में अगर 10-10 लगा दिया तो फिर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि एक ही मैच में आप अगर हार गए तो फिर दूसरे मैच के लिए आपको पैसा नहीं रहेगा, उसी चलते आपको किसी और से उधार लोगे या फिर लोन लोगे, ऐसा ऐसा करोगे तो फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे। तो फिर थोड़ा सा दिमाग यूज़ करके खेलना चाहिए ड्रीम इलेवन, अगर आपको ड्रीम इलेवन में ज्वाइन करना है विन करना है तो फिर आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करके खेलना है। तो ये देखिए हमारा जो हमने जो स्मॉल लीग टीम का सजेशन दिया है, तो आप देख लीजिए थोड़ा सा कैसे हमने सजेशन दिया है कि ऐसे ऐसे आपको खेलना है। अगर आप ये ज्वाइन कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे, जो भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे, तो आपको 6 से ज़्यादा 4 से ज़्यादा 5 से ज़्यादा ऐसे ऐसे करके आपको ज्वाइन करना चाहिए, तभी आपका अच्छा होगा। और हमारा जो पर्सनल रिकमेंडेटिव है हेड टू हेड नहीं खेलने का। हेड टू हेड में क्या फ़ायदा होता है, वो तो ड्रीम इलेवन को ही हम पैसा दे देते हैं, हेड टू हेड में फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो हमारा यूजर जो है तो मतलब हम तो IPL से थोड़ा सा मतलब प्राइम स्टार्ट किया है IPL का लास्ट तक, तो हमारा यूज़र ने मतलब प्राइम में थोड़ा 100+ लोग है, तो वो लोग बहुत मतलब हमारा जो 3 साल का एक्सपीरियंस है वही हम शेयर करते हैं, और नहीं हम बोलेंगे कि हमारा 100% हम टीम देते हैं ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, ये सब फ्रॉड है जो 100% है वगैरह बोलते हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। तो उनमें से सब लोगों का थोड़ा सा अच्छा होता है, तो आप देख सकते हो सब लोगों ने ये सब उन्हीं लोगों का स्क्रीन शॉट है जो लोग बोलते हैं कि भाई बहुत मतलब जो अपना मोटिवेट करते हैं और जो लोग टीम मतलब यहाँ से लेते हैं।
तो उन्हीं लोगों का टीम है, और देख सकते हो आप कितना लोगों ने विन किया है। मतलब यहाँ पर आप जाओगे तो पता चल जाएगा कि आईपीएल से कितना लोगों ने ये सब, हम तो सब डालते नहीं है लेकिन कभी कभी डालते हैं सब। देखिए कित मतलब कोई कोई बहुत बड़ा जीएल जीता, मतलब जस्ट हमारा जो शेयर एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, और जो टीम होता है कि ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, और जो टीम 6 टीम देते हैं हम, और उनमें से एक स्मॉल लीग रहता है और एक फाइव जो जो फाइव टीम रहता है वो ग्रैंड लीग के लिए, लेकिन 6 के 6 ग्रैंड लीग पर डालते हैं सब लोग, और उनमें से 6 में से एक ना एक रैंक आ जाता है, और हमारा जो एक्सपीरियंस होता है अपने मैच में 3 साल से जो खेलते हैं वही उसी का यूज़ करके हम टीम बना के बोलते हैं। लेकिन ये 100% नहीं है कि कोई जीतेगा नहीं जीतेगा, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है, ये ग्रैंड ये फैंटेसी है, तो फैंटेसी में कोई आपको 100% नहीं बोलेगा कि ये जब बंदा 1 लाख जीतेगा या 2 लाख जीतेगा या हमको आप जिताएंगे, ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये फैंटेसी के, तो आपको इसका रूल पता होना चाहिए, इसको आपको समझना चाहिए कि कैसे खेलना है, इसमें कैसे आपको प्रॉफिट करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए तभी आप थोड़ा सा प्रॉफिट कर पाओगे। नहीं तो आप अगर अपने मर्जी से खेलोगे तो फिर मतलब जो भी पैसा आया फिर इन्वेस्ट कर दिया, पैसा आया इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर आप थोड़ा सा लॉस में ही जाओगे। ज़्यादातर आप अगर अंधाधुन खेलोगे तो फिर लॉस में जाने का ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल है जो डॉल की थे, ये मेरा पर्सनल विनिंग है, ये मैंने 17/3/2019 को जीता था, ये भी पर्सनल है मेरा। 17/1 में 23/7 है मेरा भी बहुत ज़्यादा विनिंग है, ये यूज़र का है, सब यूज़र का विनिंग है। तो हम अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, लेकिन ड्रीम इलेवन में आपको जीतने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए, लक चाहिए, और आपका मतलब थोड़ा सा या क्रिकेट का नॉलेज, तो मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा क्रिकेट का नॉलेज चाहिए। अगर नहीं नॉलेज है तो फिर आप पैसा इन्वेस्ट करना मत कर इन्वेस्ट मत करिए, और इन्वेस्ट मतलब करेंगे तो फिर आप सीधा सीधा लॉस में जाएंगे। हर मैच का आपको मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए क्रिकेट का, तभी आप जीत पाएंगे, कि तभी आपका थोड़ा सा भी मतलब हेल्प होगा। क्योंकि अगर ड्रीम इलेवन में अगर क्रिकेट का कोई नॉलेज नहीं है और एक्सपीरियंस, अगर आप मतलब क्रिकेट का पुराना खिलाड़ी नहीं है तो फिर आपका, अगर क्रिकेट का नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप ड्रीम इलेवन खेलना छोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा नॉलेज होने से कुछ नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मीन्स बहुत डीपली कवर करना पड़ेगा। कोई भी मैच आप अगर आप खेलोगे तो उनके लिए आपको 1-2 घंटा तो आपको एनालिसिस करना ही पड़ेगा, तभी तो आप ग्रैंड लीग जीत पाओगे। ये तो सही है ना भाई, अगर आप रैंक करना चाहते हो तो फिर आपको तो बहुत मतलब ये देखिए एक भाई ने बहुत अच्छा अमाउंट किया था, महीने का 2 लाख कितना आ रहा है पता नहीं, ये सब बहुत पुराना है, आईपीएल के टाइम पर है ये तो, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा विन किया है ये भाई ने। तो ऐसे करके बहुत सारे फ्रेंड है हमारा, जो मतलब जो यूज़र है प्राइम में यूज़र है, वो लोगों ने बहुत विन किया, लेकिन विन करने का तरीका एक ही है कि आप अपना मीन्स आपको रिक्स भी लेना है ड्रीम इलेवन में खेलने के लिए, आपको रिक्स भी लेना है, प्लस दिमाग भी यूज़ करना है, प्लस क्रिकेट का एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगर सब नहीं होगा तो फिर आप तो लॉस में लॉस ही जाओगे। तो सिर्फ हमारा जो प्राइम चैनल है वहाँ पर हम सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा प्राइम में आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर नहीं लगे तो नहीं ज्वाइन सकते। तो हम किसी को फोर्स नहीं करते और ना ही बोलते हैं कि आप हमारा प्राइम में ज्वाइन हो जाओ, हम आपको 100% टीम देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा नहीं होता है। और 100% तो देने वाला भी गलत होता है, क्योंकि 100% अगर वो ही दे देगा तो फिर खुद क्यों नहीं खेलता, ये बात भी सही है ना। 100% नहीं है हमारा जो एक्सपीरियंस है, और आप लोगों को पता है ये हमारा चैनल जो है ना बहुत, ये जो हमारा ऐप्स है बहुत पुराना है, मतलब एक साल से प्ले स्टोर पे है, हम 50,000 से ज़्यादा डाउनलोड है ऐप। तो अगर आपको हमारा प्राइम में ज्वाइन होना है तो आप प्राइम में ज्वाइन हो सकते हो, और प्ले स्टोर पे आप ये ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इनमें हम डेली 1-2 टीम मतलब हर मैच का 1 या 2 टीम डालते रहते हैं, तो आप ये टीम भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा प्राइम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो। तो अगर ऐसे ही हमारा अगर जनरल मीन्स ऐसे हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको अगर ज्वाइन होना है तो फिर आपको यहाँ पर आपको टेलीग्राम में जाके ग्रैंड फैंटेसी सर्च करना है। जल्दी देखिए ऐसे ही आपको सर्च करना है ग्रैंड फैंटेसी डायरेक्ट नो स्पेस ग्रैंड फैंटेसी सर्च करना है, फिर आपको टेलीग्राम आ जाएगा, और आप इस हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रहेगा उस पर क्लिक करके आप हमारा चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। फिर हम वहाँ पर भी अपना जो चैनल मतलब एक्सपीरियंस है वह शेयर करते हैं कि कैसे क्या करना है, थोड़ा सा अपना टीम पे वहाँ पर भी जो लास्ट मिनट पे टीम होता है वहाँ पर डाल देते हैं, तो फिर मतलब थोड़ा सा सब लोगों को अच्छा हो जाता है। अगर आप लोग हम लोगों को थोड़ा सा हेल्प करना चाहते हैं और सर्विस कंटिन्यू चाहते हैं तो फिर हमारा प्राइम जो चैनल है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, और
हमारा जो एक्सपीरियंस है वही शेयर करते हैं। हम तो नहीं बोलेंगे कि हम 100% आपको 1 लाख 2 लाख जिताएंगे, लेकिन जितना भी हमारा एक्सपीरियंस होता है वही हम शेयर करते हैं। उनमें से सब लोगों का प्रॉफिट मतलब अच्छा होता है, प्रॉफिट होता है, इसीलिए सब लोग यूज़ करते हैं मीन्स। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो हमने बहुत बोल दिया, तो नेक्स्ट टाइम हम अच्छा सा एक और अच्छा वीडियो बना रहे। तो हम पहला वीडियो है, तो फिर मतलब थोड़ा उतना अच्छा नहीं हो रहा है, तो फिर लेकिन लास्ट में जो मतलब हम आहिस्ता बहुत अच्छा वीडियो बनाने की तैयारी करेंगे और आप लोगों को थोड़ा सा मतलब सिखाएंगे कि कैसे ड्रीम इलेवन में इन्वेस्ट करना है, कैसे नहीं करना है और कैसे प्रॉफिट में आना है और कैसे पैसे ज़्यादा मनी इन्वेस्ट नहीं करना है एक मैच में। सब कुछ हम डिटेल्स में किसी एक वीडियो में बनाएंगे और ग्रैंड लीग में कैसे जीतना है सब एक मैच में एक वीडियो बना के हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये वीडियो अभी हम ख़त्म करते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।